हम लोग जो है ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे थे। 52 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया था पिछले वाले में। आगे बढ़ते हैं, 53 से आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट लेक सुपीरियर? लेक सुपीरियर, लेक ओहायो, लेक मिशिगन, आई थिंक 5 ऐसी लेक्स हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे जिनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। अब इसमें से मैंने 3 तो बता दी, सुपीरियर, ओहायो, मिशिगन, 2 का मुझे नाम नहीं याद है। तो इट इज़ ए लो लेक होली विद इन यूएस, उसमें से कुछ यूएस कनाडा के बॉर्डर पे हैं और ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन कौन सी एग्जैक्टली पूरी तरह से यूएस में, कौन कौन सी कनाडा तक अंदर तक चली गई हैं। अब मैं ये लेक्स का फिगर देखने जा रहा हूँ। अमेरिका में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे अगर कोई जियोग्राफिक फीचर लगता है तो रॉकीज माउंटेन हो गए, कोलोराडो प्लेटो हो गए, डेजर्ट्स हो गए और फिर ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। पेरी के ग्रासलैंड हो गए और ग्रेट लेक सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रेट लेक्स यहाँ मिल जाएंगे मुझे कहीं, डाला तो मैंने जरूर होगा। मोजाव डेजर्ट, मिसूरी, मिसिसिपी, कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, मोजाव डेजर्ट। ये तो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो गई, नॉरिस्टर। ये डाला तो था मैंने ग्रेट लेक्स का ओसनोग्राफी में क्या? रेंसेडो डेजर्ट, सेंटा एना वेंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पेरी, मिल्पा, पिच लेक, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सोनोरन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, चुआहन, लेब्राडोर कोल्ड करंट, गल्फ स्ट्रीम। ऐसा कैसे हो गया यार, मैंने ग्रेट लेक्स के बारे में नहीं डाला है। देखता हूँ, इधर देखता हूँ, इधर कुछ लिखा होगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैंने डाला था कि नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में 12, सेंट्रल अमेरिका में 7, ग्रेटर एंटलीस, लेटर लेस एंटलीस में काफ़ी सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, 13 करीब। कैनेडा, यूएसए में देखते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में मैंने क्या लिखा। ऐसा कैसे हो गया कि ग्रेट लेक्स छूट गया भाई मुझसे। यूएसए में अलास्का रेंज, फिर इधर है लेक एरी, लेक ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर। तो मुझे याद है सुपीरियर, मुझे याद है मिशिगन, याद है ओंटारियो, याद है एरी और ह्यूरन भूल जाता हूँ मैं। एरी विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ ओनली, मैं पहले तो फिगर इनका उठाता हूँ। ग्रेट लेक्स यूएसए, ग्रेट लेक्स यूएसए, ये रहा। और ये मैं डालता हूँ यूएसए में, 2 डॉट, ओ सबसे ऊपर फिजियोग्राफी। मैं डाला तो था ग्रेट लेक्स का, पता नहीं कहाँ चला गया। एनीवे ग्रेट लेक्स कहाँ डालूँ? ग्रेट लेक्स मुझे सबसे आगे ही डालना चाहिए, यहाँ कहीं ही डालना चाहिए, जगह नहीं मिल रही, तो यहाँ डाल देता हूँ। ठीक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, अंटारियो। अब इनके बारे में कि जो एरी है, ये वाली किनारे वाली एरी, ये कनाडा में तो नहीं है पूरी तरह से, यूएस में ही है। नहीं, यूएस कनाडा बॉर्डर पे पूरी तरीके से यूएस में सिर्फ मिशिगन है, ना सुपीरियर है, ना ह्यूरन ह्यूरन है, ना ओंटारियो है, ना एरी है। सिर्फ मिशिगन इकलौती एक ऐसी लेक है ग्रेट लेक्स में जो पूरी तरह से यूएसए में है, बाकी सब कनाडा में है, सब कनाडा में गए हैं। मिशिगन को छोड़ के सब कनाडा में है। चेक
करो। हाँ भाई, लग तो ऐसे ही रहा है। हडसन बी। आई नीड ए क्लियर कट पिक्चर। ये जो रेड लाइन है वो यूएस कनाडा का बॉर्डर है। सुपीरियर यूएस कनाडा में, ह्यूरन यूएस कनाडा में, एरी यूएस कनाडा में, ओंटारियो यूएस कनाडा में, खाली मिजगन है जो पूरी तरीके से यूएस के भीतर है। ये जो ब्लैक ब्लैक जा रही है वो बाउंड्री ही है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें जो ईरी ईरी है वो सेलवेस्ट है। ईरी सेलवेस्ट है, ओहायो और पेंसिल्वेनिया के पास। ठीक है, डिस्पाइट दीज ऑब्स्टिकल ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ कार्गो फ्रॉम ग्रीन टू आयरन ओर टू लाइमस्टोन व्हिच आर की टू स्टील इंडस्ट्री आर कैरिड ऑन ईरी लेक। ह्यूरन, द बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड कनाडा लाइज रफली इन द सेंटर ऑफ ह्यूरन। ह्यूरन से तो यूएस कनाडा का बॉर्डर जाता है बिल्कुल बीचों बीच ह्यूरन से। और सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स सिचुएट इन द मिडिल, टिम्बर प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूरन, सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूरन, सेकेंड लार्जेस्ट है आई थिंक सुपीरियर और मिजगन। ह्यूरन बड़ी है, ह्यूरन में ये भी जुड़ा हुआ ना, ये छोटा सा। और मिजगन थर्ड लार्जेस्ट है, मिजगन थर्ड लार्जेस्ट है। तो सुपीरियर सबसे बड़ी, ह्यूरन उसके बाद, फिर मिजगन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। ये होगा तो मिजगन थर्ड लार्जेस्ट है एंड ओनली वन लाइंग विद इन द होली विद इन द यूनाइटेड स्टेट। इट इज ब्लॉक्ड बाई आइस फॉर अबाउट 4 months ईयर। ओंटारियो विद इन एरिया लेस देन द क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ लेक सुपीरियर। ओंटारियो सबसे छोटी है और ओंटारियो इज द स्मॉलेस्ट, मोस्ट ईस्टर्ली और मेजर सिपेरू सेंट लॉरेंस में जाती है। आई थिंक सबसे बड़ी सुपीरियर। जितना ऊपर जाएंगे वेस्ट साइड वो सबसे बड़ी है, जितना नीचे आएंगे ईस्ट साइड ओंटारियो वो सबसे छोटी है। वेस्ट टू ईस्ट साइज घट रहा है, सुपीरियर बड़ी है, फिर उरन है, फिर मिजगन है, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। वेस्ट से ईस्ट आने में ग्रेट लेक्स का साइज घटता है। सुपीरियर लार्जेस्ट बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट ऑफ 5 ग्रेट लेक्स, इट ड्रेन्स इन द लेक ह्यूरन। सुपीरियर का पानी ह्यूरन में ही जाता है। और इट इज रिच इन मिनरल्स, आयरन ओर, कॉपर, निकेल, सिल्वर। और दीज मिनरल्स गेन प्रोड्यूस इन द पेरी प्रोविंस इन द कनाडा एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये इनका मेन जो है काम है। ठीक, बहुत बढ़िया, मुझे समझ में आ गया अच्छे से। सुपीरियर नहीं, मिजगन इकलौती है जो यूएस के अंदर है। तो इसका आंसर है विच इज ट्रू अबाउट लेक सुपीरियर। सुपीरियर इज ए लेक होली विद इन यूएस ना। सुपीरियर यूएस कनाडा दोनों में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड ना, डीपेस्ट लेक तो मुझे लगता है रसिया वाली है, लेक बैकाल। दिस लेक हैज बीन क्रिएटेड टू फ्लूवियल इरोजन। ये लेक कैसे क्रिएट हुई है, फ्लूवियल इरोजन से क्रिएट हुई है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये बिल्कुल सही है। और ये लेक कैसे क्रिएट हुई है वो मैं भी देख लेता हूँ। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर क्रिएशन कहाँ से हुआ है? फ्लूवियल इरोजन तो नहीं है क्योंकि रिवर तो कोई दिख नहीं रही है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, शेयर्ड बाय कनाडा एंड यूएस, कनाडा की ओंटारियो, यूएस की मिनेसोटा। और सुपीरियर हाईएस्ट एलिवेशन है और सुपीरियर का जो वाटर है सेंट मैरीज रिवर में जाता है। लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे नाम ग्रेट सी था, फ्रेंच एक्सप्लोरर ने ढूंढा। हाइड्रोग्राफी पे आते हैं। लेक सुपीरियर एम्प्टीज इनटू लेक ह्यूरन वाया सेंट मैरीज रिवर। सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में जो पानी का कनेक्शन होगा वो सेंट मैरीज कहलाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इन द एरिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वॉल्यूम, बिहाइंड द लेक बैकाल इन साइबेरिया एंड लेक तंजानिका इन ईस्ट अफ्रीका। तो अगर वॉल्यूम वाइज जाएंगे तो अलग है ऑर्डर, और साइज वाइज जाएंगे तो अलग है ऑर्डर। तो आई थिंक दोनों मुझे लिख लेना चाहिए। साइज में है नंबर वन सुपीरियर, वॉल्यूम में
वॉल्यूम में सुपीरियर की रैंक है 3, और रैंक आफ्टर किसके बाद, तो बैकाल और तन तन जानिका के बाद इसका नंबर 3 है। और क्या मुझे पता होना चाहिए? द कैस्पियन सी वाइल लार्जर एंड कैस्पियन सी को अगर हम सी मान ले तो लेक सुपीरियर से दोनों साइड में बड़ी है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वो ब्रैकिस है। कैस्पियन सी ब्रैकिस है, कैस्पियन सी ब्रैकिस है, इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे, ये फ्रेश वाटर लेक ऑर्डर है, फ्रेश वाटर लेक का ऑर्डर है। अगर ब्रैकिस लेंगे तो कैस्पियन से बड़ा कोई नहीं है, अगर ब्रैकिस लेंगे तो कैस्पियन सी सबसे बड़ा, तब तो कैस्पियन भी आ जाएगा, अराल भी आ जाएगा, पानी का आ जाएगा, तो वो तो सी में काउंट होते हैं ना, लेक में काउंट ही नहीं होते हैं। लेक सुपीरियर कैरोलिना या ऑस्ट्रिया के साइज का है, बनिंग कैसे, बनिंग कैसे, जियोग्राफी। लार्जेस्ट सिटीज ऑन द लेक सुपीरियर, डुलत, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, ओंटारियो, मिजगन। सेंट लॉरेंस सीवे, जियोलॉजी। ड्यूरिंग पेनोकियन ओरिजिनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएटेड द ग्रेट लेक्स टेक्टोनिक जोन दैट मेनी वेल्युबल मेटल्स वर डिपॉजिटेड। द रीजन सराउंडिंग द ग्रेट लेक हैज प्रूव्ड टू बी रिच इन मिनरल्स, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड निकल, फ्रिक्वेंटली माइंड। गोल्ड की भी माइन है, कॉपर की भी माइन है, आयरन की भी है, सिल्वर की भी है। कॉन्टिनेंट वॉज लेटर रिवन, क्रिएटिंग वन ऑफ द डीपेस्ट रिफ्ट इन द वर्ल्ड। रिवन का मतलब रिफ्ट जोन है, ग्रेट लेक्स रिफ्ट जोन है, लिख देता हूँ, ग्रेट लेक्स रिफ्ट जोन रिच इन मिनरल्स, तभी यहाँ पर मिजगन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन पाई होगी। ये एक डीपेस्ट रिफ्ट है, बहुत बड़ा रिफ्ट है ग्रेट लेक का, अमेरिका और कनाडा टूट रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका और कनाडा अलग हो रहे हैं। बिल्कुल वैसे है जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वैसे अमेरिकन कनाडियन रिफ्ट वैली है, समझ गया मैं, जैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वैसे जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जैसे साइबेरियन रिफ्ट वैली है जहाँ पे वो बन रही है बैकाल, वैसे ही ग्रेट लेक्स रिफ्ट वैली है, अमेरिका कनाडा टूट रहे हैं तरीके से, फैला हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, लेक सुपीरियर आई थिंक मैं काफी हद तक समझ गया, मीनिंगफुल चीजें, सिपरेक्स और सफीका देख लेते हैं, ये पांचों हैं। एक बार फिर से, ये है सुपीरियर, ये मिजगन, ये ओंटारियो, ये एरी, ये ह्यूरन। इतना ऊपर है लेटिट्यूड कनाडा बॉर्डर पे कि जम जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द लेक बैकाल इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ, ये तो सबको पता है, रसिया में है, रसिया में, लेकिन किधर, एक यूरोप वाला रसिया है वो तो बहुत छोटा है, और एक इधर ईस्ट एशिया वाला रसिया है, साइबेरिया वाला, तो आई थिंक साइबेरिया से, वेस्टर्न साइबेरिया। अच्छा एक और रसिया के ही सर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रसिया, साइबेरिया का वेस्ट तो नहीं, साइबेरिया का ईस्ट, रसिया का नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, ईस्टर्न रसिया टू द नॉर्थ ऑफ मंगोलिया, हाँ यही सही है, लेक बैकाल ईस्टर्न रसिया टू द नॉर्थ ऑफ मंगोलिया, बट लेक बैकाल ये मैं देख लेता हूँ, पक्का कर लेता हूँ, है मुझे पक्का पता है कि वही है, मंगोलिया के पास ही है, पर एक बार देख लेना चाहिए। ये रहा लेक बैकाल मैप में, ये रहा मंगोलिया के जस्ट ऊपर है, ये रहा लेक बैकाल मंगोलिया के जस्ट ऊपर,
मंगोलिया के जस्ट ऊपर है, लेक बैकाल। अंगारा, लीना, बैकॉल जम जाती है ठंड में वो भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डेविस स्ट्रेट, डावर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। इसमें से मुझे जो सबसे आसान लग रहा है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट, मन्नार गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार मतलब श्रीलंका, एंड बे ऑफ बंगाल। सही लग रहा है, सही। बे ऑफ बंगाल हो, मन्नार गल्फ। बे ऑफ बंगाल हो गया इंडिया का बॉर्डर, मन्नार गल्फ हो गया श्रीलंका का, तो दोनों के बीच में पाल्क स्ट्रेट। सही है। सुंडा स्ट्रेट, जावा सी एंड इंडियन ओशन, सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट देख कंफर्म करना पड़ेगा। सुंडा स्ट्रेट ये तो पता है, जावा सुमात्रा, सुमात्रा जावा सुमात्रा के बाद है। ये बड़ा वाला सुमात्रा है, छोटा वाला जावा है, फिर बाली और छोटा है, बाली जावा सुमात्रा, ये ऑर्डर है। सुंडा स्ट्रेट ये है, सुंडा स्ट्रेट ये जावा सी है। तो जावा सी, जावा सुमात्रा कालीमंतन के बीच में है, और इस साइड तो इंडियन ओशन है, तो सुंडा स्ट्रेट है जावा सी इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन और जावा सी, जावा सी है जावा के दर दूसरे साइड, सुंडा स्ट्रेट। ये भी सही है, सुंडा स्ट्रेट को भाई मुझे जगह देनी पड़ेगी साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पे ओसनोग्राफी है, ओसनोग्राफी, मेकोंग, 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 क्लाइमेटोलॉजी, टाइफून। ओसनोग्राफी कहाँ भाई साउथ ईस्ट एशिया की? खैर ऐसा मत हो, दिखाया तो है वैसे मैंने, जावा सी दिखाया तो है, इंडियन ओशन भी दिखाया है। ये बड़ा वाला सुमात्रा है, ये इंडो चाइना पेनिनसुला है, यहाँ पे नीचे सिंगापुर है, ये सुमात्रा, ये जावा, ये बाली है, ये कालीमंतन है, ये फिलीपींस वाला है, ये साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये अराफुरा सी है, ये जावा सी है। यही दिखाना है मुझको, यही दिखाना है, ये सुंडा स्ट्रीट। सुंडा 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 जी रहा, सुंडा स्ट्रीट ये रहा, सुंडा स्ट्रीट, सुंडा स्ट्रीट जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में है, सुंडा स्ट्रीट ये रहा, सुंडा स्ट्रीट। अब कौन सा बचा? सुंडा स्ट्रीट समझ गए, पालक स्ट्रीट समझ गए, डॉवर और डेविस। आई एम नॉट श्योर, डॉवर स्ट्रीट, डॉवर स्ट्रीट आर्कटिक सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, चेक करते हैं। डावर स्ट्रेट, डावर स्ट्रेट इंग्लैंड और फ्रांस बेल्जियम के बीच में है, तो इंग्लैंड और फ्रांस बेल्जियम के बीच में आर्कटिक सी एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, डावर स्ट्रेट इंग्लैंड फ्रांस बेल्जियम के बीच में डावर स्ट्रेट है, ये यूरोप में जाना चाहिए, यूरोप की डावर स्ट्रेट मुझे नहीं पता था, पहली बार आज मुझे डावर स्ट्रेट के बारे में पता चल रहा है। स्पेशली जियोग्राफी के बारे में जितना जानने की कोशिश की जाए उतना कम है, ये यूरोप की ओशनोग्राफी में जाना चाहिए। यूरोप सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने, काफी कुछ किया मैंने यूरोप के बारे में, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, सेल्टिक सी, सी बहुत किया है, नॉर्थ सी, एड्रियाटिक सी, कैस्पियन
तो खैर इधर ही हो गया, सॉर्गोसो तो अमेरिका में आना चाहिए, पता नहीं क्यों दे रखा मैंने। कारा सी ये नहीं किया था मैंने। स्ट्रीट कौन सा स्ट्रीट? डावर स्ट्रीट, डावर स्ट्रीट पहली बार जानता हूँ। डावर एक जगह है लंदन के पास, लंदन से दूर है अच्छे खासी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। मुझे ये पता था इंग्लिश चैनल है, और इंग्लिश चैनल में डावर स्ट्रीट करके आ गया है कुछ। जीरा डावर स्ट्रीट इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में डावर स्ट्रीट है, और मुझे ये बंद कर लेना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया सुंडा स्ट्रीट हो गया। डावर स्ट्रीट इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, डावर स्ट्रीट इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और कोई बढ़िया पिक्चर डावर स्ट्रीट की? नहीं, वही इंग्लैंड बना, एक साइड फ्रांस और बेल्जियम बने हुए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, रोटरडम, एम्स्टरडम, नॉर्थ सी, इधर इंग्लिश चैनल है। तो ये स्ट्रेट ऑफ डावर इन्होंने क्या लिखा है? आर्कटिक सी, आर्कटिक सी यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। नॉर्थ अटलांटिक तो चलो मान भी सकता हूँ, अटलांटिक सी है इधर, बट आर्कटिक सी तो नहीं है, नॉर्थ सी है इधर। ये गवर, और डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट देख लेता हूँ फिर करूंगा। डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रीट, डेविस स्ट्रीट, डेविस स्ट्रीट, आई थिंक डेविस स्ट्रीट कनाडा के ऊपर है। कनाडा के ऊपर है, तो यानी कि ये आर्कटिक और अटलांटिक, ये सही होगा इसका आंसर। मुझे लग रहा था डेविस ऊपर वाला ही कोई है, आर्कटिक के पास वाला, बेफिन बे, बेफिन आइलैंड, लेबराडोर, लेबराडोर, बेफिन बे, बेफिन आइलैंड, बेफिन बे, कौन सा नाम रखा है? डेविस स्ट्रेट, ये डेविस स्ट्रेट सबसे बेस्ट। डेविस स्ट्रेट बेफिन बे के पास ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड के भीतर है। इसको मुझे यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में डालना चाहिए। और ये रहा डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट फिजियोग्राफी में आएगा कि ओसनोग्राफी में? ओसनोग्राफी में आया होगा, अगर बनाया हो तुमने, बनाया तो होगा। क्लाइमेटोलॉजी है अमेरिका की, सेंटा एना, नॉर्थ ईस्टर, ब्लेजार्ट्स, क्लाइमेट भी दे रखा है मैंने, रेनसेडो कहाँ पे है, सेंटा एना वेंट्स कहाँ। इकोनॉमिक जियोग्राफी भी है, तो ओसनोग्राफी नीचे है क्या? सेटलमेंट है, बायो जियोग्राफी है, ओसनोग्राफी नीचे है। ओसनोग्राफी में डेजर्ट क्यों डाल रखे हैं भाई तुमने? ग्रेट बेसिन, मोजाव, सोनोरन, चुआन। ओसनोग्राफी में ओसनिक करंट्स डालते हैं। अब लेबराडोर, लेबराडोर करंट ठीक तो था, गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया करंट, ठंडी कैलिफोर्निया करंट, अभी तो डेजर्ट बनाएगी कैलिफोर्निया का, तो सोचो। ये रहा डेविस स्ट्रेट, तो आई थिंक डेविस स्ट्रेट भी जान गए हम लोग, डोवर स्ट्रेट भी जान गए हैं। ये रहा डेविस स्ट्रेट, ये रहा डोवर स्ट्रेट, तो अब हमें सारे स्टेट पता है। पाल्क स्टेट पता है, सुंडा स्टेट पता है, डावर पता है, डेविस पता है। सुंडा स्टेट जावा से इंडियन ओशन, बिल्कुल सही है। पाल्क स्ट्रेट मन्नार गल्फ एंड बे ऑफ बंगाल, सही है। डेविस स्ट्रेट बेफिन सी और अटलांटिक ओशन, सही है। डावर स्ट्रेट आर्कटिक सी नॉर्थ अटलांटिक, ये गलत है। स्ट्रेट ऑफ डावर और डावर स्ट्रेट हिस्टोरिकली नोन एज डावर नैरोज इज अ स्ट्रेट विद द नैरोस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश चैनल, मेकिंग द बाउंड्री बिटवीन चैनल एंड नॉर्थ सी, सेपरेटिंग ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो ये डावर स्ट्रेट बी वाला गलत है। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कुरियोसियो परू लेब्राडोर फ्लोरिडा, आई थिंक ये मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे आइडिया हो चुका है परू का। परू या हम्बोल्ट जो करंट है वो कोल्ड करंट है और पैसिफिक में है, और परू कोल्ड पैसिफिक, तो
ये बी का होना चाहिए 4। लेबराडोर आते हैं, लेबराडोर भी ठंडी है, और ये लेबराडोर है कनाडा, कनाडा कनाडा कनाडा, अटलांटिक अटलांटिक, कोल्ड करेंट नहीं अटलांटिक, लेबराडोर हो जाएगा कोल्ड करेंट नहीं अटलांटिक। लेबराडोर भी ठंडी है, पेरू भी ठंडी है, एक पैसिफिक की एक अटलांटिक की। फ्लोरिडा और क्रोसियो, फ्लोरिडा करंट और क्रोसियो, क्रोसियो जापान के रसिया के इधर, ओयोसो क्रोसियो, ये हो गया ओशन पैसिफिक। और ये पैसिफिक की ठंडी तो हो ही चुकी है, पैसिफिक की ठंडी पेरू थी, ये पैसिफिक की क्रोसियो हॉट है, ओयासियो ठंडी है, क्रोसियो गर्म है। एक बार देख लेता हूँ मैं, ओयासियो क्रोसियो, ओयासियो ओयासियो क्रोसियो, क्रोसियो फिगर देख लेता हूँ। हाँ यही है, ओयासियो क्रोसियो, ओयासियो ऊपर से आ रही है ठंडी है, क्रोसियो नीचे से आ रही गर्म है, बनी तो है ये क्रोसियो है, रेड वाली गर्म है, ओयासियो ठंडी है, सी ऑफ जापान पे दोनों मिल रही है। ये ओयासियो है क्रोसियो, क्रोसियो रेड मतलब गर्म, ओयासियो ठंडी, ये आके मिल रहे हैं सी ऑफ जापान, ओयासियो क्रोसियो, क्रोसियो गर्म, ओयासियो ठंडी, ओयासियो ठंडी है क्योंकि ऊपर से आती है। ये मुझे ओशनोग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया में डालना चाहिए, ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया, चाइना जापान कोरिया, चाइना जापान कोरिया, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कहाँ गया, ओशनोग्राफी एससीओ समिट एशिया में हुई है, ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी ईस्ट एशिया की फिजिकल जियोग्राफी, ईस्ट एशिया की फिजिकल जियोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी है, तो साउथ चाइना सी दिखाया है, ईस्ट चाइना सी दिखाया है, येलो रिवर्स येलो सी दिखाया है, तो यहीं कहीं दिखाओ, येलो रिवर मीट्स द सी, जगह नहीं छोड़ रही है, नहीं दिखाते हैं। ओयासियो क्रोसियो ये रही आज, ओयासियो क्रोसियो भी फिट हो गई जापान में, चाइना जापान कोरिया में, ओयासियो ठंडी क्रोसियो गरम, ओयासियो ठंडी क्रोसियो गरम। अब रही बात अलास्का और कैलिफोर्निया, और कौन सी करंट थी, फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा फ्लोरिडा करंट आई थिंक हॉट है गल्फ स्ट्रीम से पहले, यही मुझे लग रहा था, फ्लोरिडा हॉट है और गल्फ स्ट्रीम से पहले है, ये अमेरिका में मैंने डाली भी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्थ अमेरिका में ना डाली हो, फ्लोरिडा करंट नॉर्थ अमेरिका में होगी, ये फ्लोरिडा करंट, ये बात अभी मुझे चेक कर लेना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका में डाली होगी जरूर, भूल ना हूँ मैं क्योंकि फोकस नहीं किया होगा, ये रही फ्लोरिडा, नहीं गल्फ स्ट्रीम दिखाया, फ्लोरिडा दिखाई नहीं है, फ्लोरिडा अक्सर नहीं दिखाते हैं, फ्लोरिडा नहीं दिखाई अभी तक, अब दिखा देते हैं, यही फायदा है मल्टीपल मैप्स का, गल्फ स्ट्रीम पहले फ्लोरिडा ही थी गर्म गर्म, तो आई थिंक बन गया सिस्टम, क्रोसियो वार्म करंट इन पैसिफिक, ए का थ्री, ए का थ्री, पेरू कोल्ड करंट इन पैसिफिक 4, बी का 4, लेबराडोर कोल्ड करंट इन अटलांटिक, सी का 2, फ्लोरिडा डी का 1, वार्म करंट इन अटलांटिक, फ्लोरिडा वार्म करंट इन अटलांटिक, सही, तो आ गया क्रोसियो वार्म, बरू लेबराडोर फ्लोरिडा सारे हो गए, फ्लोरिडा और अच्छे से देख लेते हैं, फ्लोरिडा के बारे में और कहीं है कुछ, वार्म में इतना पता है।
ये जो सर्कुलेशन हो रहा है अमेरिका के पास, इसमें ठंडी के नाम पे सिर्फ दो ही तो हैं इधर, वो भी यूएस से उनका ठंडी का कोई लेना देना नहीं है। यूएस का पूरा ईस्ट कोस्ट गर्म है, यूएस का ईस्ट कोस्ट पूरा गर्म है, लेबराडोर को छोड़ के। यूएस का ईस्ट कोस्ट पूरा गर्म है, सिर्फ लेब्राडोर को छोड़ के, बाकी पूरा गर्म है। और इधर कनरीज ठंडी है, फिर लेबराडोर ठंडी है, बाकी तो ये पूरा गर्म है। थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए। गल्फ, फ्लोरिडा, एंटिलिस, पूरा गर्म है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, तंजानिका, तस्मानिया, बेफिन, ये सब आइलैंड्स हैं आई थिंक, और इनको बताना है कि कौन सा आइलैंड कौन से ओशन में है। तो ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन सही है, मेडागास्कर इंडियन ओशन भी सही है, बेफिन नॉर्थ पैसिफिक गलत, बेफिन तो आर्कटिक में ही है। किस में काउंट करोगे, आर्कटिक में काउंट करोगे कि अटलांटिक में? और तस्मानिया, तस्मानिया देख लेते हो, कि तस्मानिया मुझे पता नहीं है। तस्मानिया, तस्मानिया आइलैंड, अच्छा तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के पास वाला है क्या? तस्मानिया सी, तस्मानिया कैट आइलैंड, तस्मानिया कैट आइलैंड, तस्मानिया कुछ है भी नहीं यहाँ पे, खाली है। ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे क्यों रोका था। तस्मानिया, 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 कुछ मिल ही नहीं रहे हैं तस्मानिया पे। तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया के बारे में मुझे जानने की इच्छा हो रही है, जब तक मैं तस्मानिया के बारे में जान नहीं लूंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा। तस्मानिया इज एन आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 240 किलोमीटर साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड, सेपरेटेड बाय बास स्ट्रेट। तस्मानिया स्टेट इनकम्पासेस द मेन आइलैंड ऑफ तस्मानिया, 26th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, एंड जस्ट मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड इन ग्रेटर होबर्ट प्रोविंस, विच फॉर्म्स द मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ द स्टेट कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी होबर्ट। यह लोग रहते हैं। फर्स्ट एनवायरमेंटल पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, इंडिजिनस पीपुल रह रहे हैं, एबोरिजिनल पीपुल, बट कहाँ, कितनी पॉपुलेशन है भाई, 5-6 लाख लोग रहते हैं, मिलेगा कोई नहीं है। और हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री, और रीसेंट हिस्ट्री, पोर्ट ऑथर, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, कूल टेम्परेट क्लाइमेट है, एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, चन्नो जम की सॉइल मिलती है, और तस्मानियन डेविल, स्टेट एनिमल इंग्लैंड। क्या है तस्मानियन डेविल? कार्निवोरस मार्सुपियल है, नेटिव टू मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, फाउंड इन द वर्ल्ड ओनली इन द आइलैंड स्टेट ऑफ तस्मानिया, तस्मानियन डेविल। हॉबर्ट सिटी, सेलमन फिश खाते हैं, सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, ये रही तस्मानियन डेविल। साइज ऑफ ए स्मॉल डॉग, तस्मानिया। तो आई थिंक ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन, मेडागास्कर इंडियन ओशन, तस्मानिया साउथ पैसिफिक, और बेफिन नॉर्थ पैसिफिक। तस्मानिया साउथ पैसिफिक सही है, तस्मानिया साउथ पैसिफिक सही है।
बैफिन नॉर्थ पैसिफिक गलत है, बैफिन पैसिफिक में नहीं नॉर्थ अटलांटिक में आएगा। बैफिन बीच लोकेटेड बिटवीन बैफिन आइलैंड एंड साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड मार्जिनल सी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक। तो बैफिन नॉर्थ अटलांटिक में आएगा, इट इज कनेक्टेड टू अटलांटिक वाया डेविस स्ट्रेट। अभी तो क्या था, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट एंड लेबराडोर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज आर इंक्लोज्ड, अंडमान सी, अरब सी, सी ऑफ अजोब एंड बेरिंग सी। अंडमान सी इंक्लोज नहीं है, अरब सी इंक्लोज नहीं है, अजोव इंक्लोज है, बेरिंग सी इंक्लोज नहीं है, सी ऑफ अजोव इंक्लोज है। ये क्या किया, अरब सी को बना दिया। अरब सी इज ए रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन ओशन बाउंडेड नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान ईरान ऑन द वेस्ट बाई सोमालिया अरबियन पेनिनसुला ईस्ट बाई इंडिया। हिस्टोरिकली द सी हैज बीन नो मदर बिकॉज आर्कियन सी एंड द पर्शियन सी। सी ऑफ अजोब इज बाउंडेड नॉर्थ बाई मेनलैंड यूक्रेन, ईस्ट बाई रशिया एंड वेस्ट बाई क्रीमियन पेनिनसुला। आंसर क्या है, सी है। सी का मतलब है टू एंड थ्री, मतलब अजोब तो है ही क्लोज, अरब सी भी क्लोज है। देखो अजोब का तो मुझे पता है रशिया यूक्रेन के बीच में, कच्च पेनिनसुला। अरब सी देखता हूँ, अरब सी कब से इंक्लोज हो गया, अरब सी, अरबियन सी, अरब सी क्लोज क्यों बोल रहे हैं, अरबियन सी किससे इंक्लोज बोल रहे हैं, वेस्ट इतना, ईस्ट इतना, सी में अरेबियन सी। अरेबियन घेरा तो है अरेबियन सी, चलो अरेबियन सी इंक्लूज मान लेते हैं। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, अमेजन, कांगो, सुंदरबन, गोदावरी। आई थिंक गंगा का डेल्टा सबसे बड़ा होगा, सुंदरबन डेल्टा, बे ऑफ बंगाल बाय सुपर कन्फ्लुएंस ऑफ पद्मा, ब्रह्मपुत्र, मेघना अक्रॉस सदर्न बांग्लादेश। ऐसा नहीं है कि सुंदरबन जो डेल्टा है वो सिर्फ इंडिया में है, सुंदरबन डेल्टा इंडिया बांग्लादेश दोनों में है। ये है सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है। और सीजनली फ्लडेड सुंदरबन, स्वैम्प फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, 6,000 तो बांग्लादेश में ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो।